लड़कियों ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी नंबर दिए सब बंद दिए। वैसे दोस्तों आए दिन सोशल मीडिया पे कई लोग वायरल हुए हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसे चार लोगों के बारे में बताऊंगा जो है तो विदेशी लेकिन इंडिया की वजह से फेमस हुए हैं और आज वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, किली पोल एंड नीमा पोल। दोस्तों आई होप आपने कोई ना कोई इनका वीडियो जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो देखिए। दोस्तों आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि इंडिया में क्यों वायरल हुए हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये तंजानिया के रहने वाले हैं। तंजानिया एक कंट्री है जो ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है। एक दूसरी कंट्री से होने के बावजूद भी इनका इंडिया से काफी लगाव है और ये काफी लंबे टाइम से इंडियन हिंदी गानों पे भी वीडियो बनाते आ रहे हैं। वो पूछना ये था दोस्तों, जिस इंसान में कोई कमी ना हो क्या हम उसे कमी ना कह सकते हैं? दोस्तों ये वीडियो में दिख रहे दोनों भाई बहन हैं। भाई का नाम किली पोल है, वहीं इसकी बहन का नाम नीमा पोल है। दोस्तों ये दूसरे प्रांत में रहते हुए भी आसानी से हिंदी सीख लिए और ये हिंदी गानों पे परफेक्ट क्लिप सिंग भी करते हैं और इनकी यही चीज भारतीय ऑडियंस को काफी पसंद आई और वो उनकी तारीफ भी करते हैं। और इंडियन ऑडियंस ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात पे इन दोनों के बारे में कहा है। तो चलिए जानते हैं नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। इन दिनों फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर तंजानिया के दो भाई बहन किली पोल और उनकी बहन नीमा, ये बहुत चर्चा में है। उनके अंदर भारतीय संगीत को लेकर एक जुनून है, एक दीवानगी है, जिसके बाद इंडिया में रातों रात वायरल हो गए और आज भी लोग इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 4, आयशा। दोस्तों मेरा दिल ये पुकारे आजा गाने पे डांस करने वाली इस लड़की को तो आप जानते ही होंगे। पर दोस्तों सवाल ये उठता है कि इंडिया में वायरल क्यों हो गई? ये पाकिस्तान के लाहौर से बिलोंग करती हैं और जिस गाने पे इन्होंने डांस किया वो लता मंगेशकर का गाना था, जिस वजह से इंडिया में ये बहुत तेजी से वायरल हो गई। आपको बता दे आयशा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष ही है। एक्चुअली दोस्तों ये अपने फ्रेंड की शादी पे गई हुई थी, जहां इन्हें डांस करने के लिए बोला गया और ये डांस करने लग गई। वहां पे लोगों को इनका डांस पसंद आया तो किसी ने इनका वीडियो बनाकर टिकटॉक पे अपलोड कर दिया और टिकटॉक पे से किसी ने उठाकर इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया, वहां से ये वीडियो वायरल हो गया। दोस्तों इनके वीडियो वायरल होने से पहले इनके फॉलोवर काफी कम थे, लेकिन आज की तारीख में इनके इंस्टाग्राम पे 7 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। नंबर 3, योहानी। योहानी सोशल मीडिया पे मानी के मंगे हिते सॉन्ग से काफी तेजी से वायरल हुई थी। दरअसल दोस्तों ये गाना 2021 में वायरल हुआ था जब योहानी ने अपने YouTube चैनल योहानी पे इस गाने को अपलोड किया था। योहानी एक श्रीलंकन है और वो श्रीलंका से बिलोंग करती हैं। अगर आप योहानी की पूरी बायोग्राफी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, बाकी आप आई बटन पे जाके भी इस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों योहानी का ये गाना एक श्रीलंकन गाना है, हम इंडियंस को तो ये गाना समझ में भी नहीं आता, लेकिन इनकी फेस एक्सप्रेशन की वजह से और इनकी मधुर आवाज से ये गाना इंडिया में काफी वायरल हुआ था। जब ये वायरल हुआ तो इस पे तरह तरह के शॉर्ट्स बनने लगे, जिस वजह से ये और भी वायरल हो गया और आज के टाइम इस पे 230 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। इनके मानी के मंगे इतने सॉन्ग के बाद इनका बॉलीवुड में मानी के नाम का एक सॉन्ग आया है जिसपे 150 मिलियन से ज्यादा व्यूज है। नंबर 2, पीहू। दोस्तों लगभग 8 या 9 महीने पहले इस बच्चे का ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था, खास करके इंडिया में इसे लोगों ने खूब पसंद किया था। आप देखिए इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो में डांस कर रही लड़की का नाम पीयू है और ये बांग्लादेश की रहने वाली है। जब ये डांस वीडियो वायरल हुआ था तो लोगों का कहना था कि ये पाकिस्तान की है, लेकिन हम आपको बता दें ये बांग्लादेश की रहने वाली है।
दरअसल दोस्तों पीयू किसी फंक्शन में डांस कर रही थी, वहाँ से किसी ने इनका वीडियो बनाया और टिकटॉक पे पोस्ट कर दिया। इंडिया में तो टिकटॉक बैन है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान देशों में टिकटॉक आज भी चल रहा है। वहाँ से ये वीडियो वायरल हो गया और इतना वायरल हो गया भर भर के लाइक्स और इसको शेयर किया, जिस वजह से पूरे इंडिया में फैल गया और वहाँ से पीयू रातों रात वायरल हो गई। और आज पीयू इतनी वायरल है कि इन्हें हर कोई जानता है। नंबर वन, पतली कमरिया मोरी हाय हाय। जब भी आप इंस्टाग्राम खोलते होंगे तो आपने ऐसे बहुत सारे रील्स वीडियो देखे होंगे और आपको मजा भी बहुत आता होगा, जिसके कारण ये ट्रेंड बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग भी वायरल हो रहे हैं। लेकिन इस गाने पे सबसे ज्यादा वायरल हुआ है वो है ये चार लड़कियां। इनके वीडियो पे 40 मिलियन से ज्यादा व्यूज है और 3.5 मिलियन से ज्यादा लाइक। जो भी इनको देख रहा है वो पूछ रहा है आखिर ये चारों लड़कियां हैं कौन। तो मैं आपको बता दूं, ये उत्तराखंड के बागेश्वर से बिलोंग करती हैं और ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती हैं। ये चारों बेस्ट फ्रेंड है, ये बहुत सारी मस्ती करके वीडियो बनाती हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो वायरल है उनका नाम है दियू, जिनके इंस्टाग्राम आईडी का नाम है bella-ma801, जिस पे लगभग 32.5k फॉलोवर्स हैं। जिसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे ये वायरल वीडियो डाली गई है मोनिका कोहली, ये लास्ट वाली लड़की, इनके इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं। इनके इंस्टाग्राम पे 178k फॉलोवर्स हैं और ये एक मॉडल है। इन्होंने एक म्यूजिक वीडियो दिल लगे भी कर रखा है। इनमें जो पतली सी लड़की दिखाई दे रही है उनका नाम है दिया पोखरिया, जिनके लगभग 4000 फॉलोवर्स है। और इनमें एक किरण आरोही है, जिनके लगभग 3000 लोग, जो विदेशी होने के बावजूद इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है और लोग इन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वैसे आपका इनमें सबसे फेवरेट कौन है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, जय हिंद।